देख रहे हैं जे स्टार न्यूज। आज हम हैं मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में, जहां पर सरकार ने लॉकडाउन मिनी जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। आइए देखते हैं सोहेल अली की इस खास रिपोर्ट में। सरकार ने जो निर्णय लिया है कि किस तरह से कोरोना पे काबू किया जाए, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है और एक गाइडलाइन बनाया गया है कि 14 तारीख से लेके 22 अप्रैल तक, 14 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। और इस ऐलान में उन्होंने जो ज़रूरी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उनको इस लॉकडाउन से बाहर रखा है, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी दुकानें हैं, प्रशासन का गाइडलाइन किस तरह से वो उसका पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ चाहे जस्तम चौक रहो, सिंधी कॉलोनी रहो, या SBI लाइन, या जितने भी दुकानें, जो भी बड़ी बड़ी शॉप्स है, छोटी से बड़ी शॉप है, उन्होंने सभी दुकानें बंद रखकर सरकार का समर्थन किया है। और उनकी मांगे भी है कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन और ये कर्फ्यू हटाया जाए, ताकि हम जो गरीब व्यापारी है वो हमारा जो जीवन व्यापन कर सके और सही तरह से जी सके, जिनका पूरा परिवार, पूरा घर इसी दुकानों पे है, तो अगर वो दुकानें बंद रहेंगी 8 दिन 10 दिन, तो फिर वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगा? जब उनका धंधा ही नहीं होगा, ग्राहक नहीं आएंगे, नागरिक नहीं आएंगे, तो वो करेंगे क्या और क्या खाएंगे? तो सरकार ने उनको कुछ सहूलियत दिया है, और सूत्रों के अनुसार बात करने के बाद पता चला है कि गाइडलाइन से सरकार ने बाहर रखा है। आप देख सकते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हम लोगों को लगती है डेली ज़रूरी चीज़, वो सभी चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन भीड़ ना करते हुए, मास्क लगाते हुए, डिस्टेंसिंग रखते हुए, इस सभी का उन्होंने व्यवस्था किया है। सोहेल अली, इसकी खास रिपोर्ट।